सीजीआई के पास आर्टिकल 370 पर याचिका भेजना पड़ा महंगा। मोदी सरकार ने कर दी टीचर की छुट्टी। जाने क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर सुनवाई चल रही है। सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कई ऐसे सवाल पूछे, मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ गई, जवाब देते नहीं बन रहा। दूसरी तरफ बौखला कर मोदी सरकार ने एक प्रोफेसर पर कार्रवाई कर दी, नौकरी से कर दिया निलंबित, आचरण की जांच के दिए आदेश, कर सकती है सख्त कार्रवाई। वजह सिर्फ इतना था कि उस प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। क्या याचिका दायर करना इतना बड़ा अपराध है कि मोदी सरकार उस टीचर को उसके पद से निलंबित कर दे। आखिर पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसका विरोध किया। विरोध करने वाले में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर जहूर अहमद भी थे। सरकार ने उनको निलंबित भी कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जहूर अहमद को सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पेश होने और 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ दलील देने की वजह से निलंबन का आदेश पारित कर दिया गया। आचरण की जांच के दिए गए आदेश। राजनीतिक विज्ञान के वरिष्ठ व्याख्याता जहूर अहमद को जम्मू में निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया और उनके आचरण की जांच के भी आदेश दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के आदेश के मुताबिक राजनीतिक विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर को जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारियों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश में यह भी कहा गया, निलंबन की अवधि के दौरान दोषी अधिकारी निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू के कार्यालय की तरफ संलग्न रहेगा। कार्रवाई पूरी लेकिन आचरण की भी होगी जांच। सीनियर प्रोफेसर को निलंबित करने के बाद सरकार यही नहीं रुकी, उनके आचरण की जांच के लिए जम्मू कश्मीर के संयुक्त निदेशक शुभा मेहता को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। मेहता दोषी अधिकारी के आचरण की जांच करेंगे। इन सब कार्रवाइयों की दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बीते 10 दिनों से आर्टिकल 370 पर सुनवाई कर रहा है। सरकार की गलती पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट करेगा हस्तक्षेप। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान बेंच अनुच्छेद 370 पर सुनवाई कर रही है। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में टिप्पणी की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था आर्टिकल 370 निरस्त करने के दौरान अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन पाया गया तो अदालत इसमें हस्तक्षेप करेगी। कोर्ट ने कहा यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 370 को संविधान का स्थायी दर्जा मिल गया है, संवैधानिक ढांचे में इसके स्थायित्व की स्थिति को नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछे तल्ख सवाल। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और न्यायमूर्ति श्रीकांत शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा आखिरकार उन्हें यह बताना होगा अनुच्छेद 370 के खंड 2 में मौजूद संविधान सभा शब्द को 5 अगस्त 2019 को विधानसभा शब्द कैसे निकाल दिया गया, जिस दिन अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किया गया था।